आजकल हर जगह एक ही नाम छाया हुआ है, तो आखिर कौन है ये तालिबान? तो दोस्त आइए हम जानते हैं। बात 1990 की है, जब अफगानिस्तान से रूसी सैनिकों की वापसी हो गई थी। उसी समय उत्तरी पाकिस्तान में एक संगठन का निर्माण हो रहा था। कहा जाता है कि कट्टर सुन्नी इस्लामी विद्वानों ने इस्लामिक संस्थाओं की सहायता से पाकिस्तान में इस संगठन को बनाया और साथ ही इस संगठन को बनाने के लिए मुस्लिम देशों से आर्थिक मदद मिली। पास्तो भाषा के अनुसार तालिबान का मतलब होता है छात्र, खासकर ऐसे छात्र जो कट्टर इस्लामी मजहबी शिक्षा से प्रेरित हो। शुरुआत में तालिबान ने कहा था कि हम इस्लामिक क्षेत्रों से विदेशी शासन को खत्म कर देंगे और वहां शरिया कानून और इस्लामिक राज स्थापित करेंगे। शुरू शुरू में तालिबान को लोगों का काफी सपोर्ट मिला। लोगों ने तालिबान में एक मसीहा देखा और कई इलाकों में उनका स्वागत किया गया, लेकिन बाद में इस्लामी कट्टरता के कारण तालिबान की लोकप्रियता खत्म हो गई और तब तक तालिबान इतना पावरफुल हो चुका था कि उससे निजात पाना शायद ही संभव है। कौन जानता था कि उत्तरी पाकिस्तान में बना एक छोटा सा संगठन एक दिन अफगानिस्तान को निगल जाएगा।